हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एडिफार्म प्लस सिरप के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इस सिरप का मुख्य तो उपयोग बुखार, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द आदि समस्याओं में किया जाता है। यह एक पेन किलर सिरप है। आइए इस सिरप के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके क्या बेनिफिट है, इसके क्या साइड इफेक्ट है, इसका सही डोज कितना है, इस सिरप से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लिबेन लाइफ साइंस कंपनी का यह 60 ml पैकिंग का सिरप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 25 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। एडिफार्म प्लस सिरप में आइबुप्रोफेन IP 100 mg, पैरासीटामोल 162.5 mg ये कंटेंट समाविष्ट है। आइबुप्रोफेन इसमें मौजूद आइबुप्रोफेन यह एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। यह प्रोस्टेट ग्लैंड की उत्पादन को रोकता है, इस वजह से दर्द में राहत मिलती है। पैरासीटामोल यह ब्रेन से निकलने वाले उन केमिकल मैसेंजर को रोकता है जो बुखार और दर्द का कारण बनते हैं। बात करते हैं इस सिरप के यूजेस के बारे में। इसे किन किन समस्याओं में यूज किया जाता है। इस सिरप का मुख्य तो इस्तेमाल बुखार, सिर दर्द, मस्कुलर पेन यानी मांसपेशियों में दर्द, दांत का दर्द, हड्डी टूटने का दर्द, कान में दर्द, जोड़ों का दर्द या फिर अन्य बदन दर्द, पीठ दर्द या फिर बोन फ्रैक्चर के बाद होने वाला दर्द, इन समस्याओं में इस सिरप का यूज किया जाता है। यह पेडियाट्रिक यूज के यानी बच्चों के लिए ही बनाया गया खास सिरप है। बात करते हैं इसके डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर इसका डोज अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही ले। इसे आप 5 से 10 साल के बच्चों को 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस सिरप के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव। यदि आप इसे बिना डॉक्टर के अनुमति से इस्तेमाल करते हैं तो आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। इसके इस्तेमाल से पेट दर्द, उल्टी, अपचन, गैस, कब्ज ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इसे यूज करते समय सावधानियाँ। यदि आपका बच्चा अति संवेदनशीलता से पीड़ित है तो इस सिरप का यूज न करें। अगर आप पहले से कोई अन्य सिरप ले रहे हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को जरूर दें। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।